आज हम लोग बात करने वाले हैं पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में थोड़े बहुत डेफिनेशंस की और कैसे हम रन करते हैं पाइथन प्रोग्राम को इन पाइथन सॉफ्टवेयर में। ओके, तो दो तरीके से हम लोग हैं कर सकते हैं, टू वेज ऑफ वर्किंग इन पाइथन है। एक तो है हाउ टू एग्जीक्यूट पाइथन यूजिंग कमांड प्रोमोटर, और एक प्रोमोटर है। दूसरा होता है आइडियली, और पाइथन का जीयूआई होता है टू एग्जीक्यूट पाइथन प्रोग्राम। आइडियल मतलब होता है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एंड लाइफ एनवायरनमेंट होता है, ठीक है। तो ये दो तरीके से होता है, जैसे हम जावा में कमांड प्रोमोटर में पहले लिख देते हैं फिर पेस्ट करते हैं उस सॉफ्टवेयर में, वही कुछ लाइकवाइज हम ये भी करते हैं। वी विल फॉर दिस वी विल मेक अनदर वीडियो। आगे देखते हैं हम कुछ डेफिनेशंस की, अभी हम बात करने वाले हैं। दैट इज, पहले हम देखते हैं वेरिएबल क्या होता है। तो वेरिएबल एक मेमोरी लोकेशन है जहाँ पर पाइथन वेरिएबल की जो वैल्यू होती है वो स्टोर्ड रहती है, ठीक है। दूसरा है पाइथन इंडेंटेशन। पाइथन इंडेंटेशन इज नथिंग बट द वाइड स्पेस, जो वाइड स्पेस होती है बिफोर स्टार्टिंग योर आवर कोड। ओके, जब आप करोगे, जब आप ब्लॉक्स लगाओगे, जैसे देखो जब हम डेफ लिखते हैं, डेफ डिफाइन करते हैं फंक्शन में, फंक्शन नाम लिखते हैं, पैरेंथेसिस ब्रैकेट और कॉलन लिखते हैं, उसके बाद हम कुछ वाइट स्पेस छोड़ते हैं, फिर हम उसके बाद ही लिखते हैं, ठीक है। जैसे मैं आपको कुछ कोड दिखा दूं, अगर इसे यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमारे पास फॉर लूप का कुछ कोड है, देख रहे हो, फॉर आई इन अ रेंज कुछ लिखा हमने, सेमी कॉलन लगाया, और यहाँ पर देखो हमने कुछ वैल्यू छोड़ी है जगह। अब बोलोगे यहाँ से क्यों नहीं लिखा सर, तो यहाँ पर दैट इज वाइट स्पेस, ओके, उसको ही हम वाइट स्पेस बोलते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं दूसरा हमारा जो डेफिनेशन है और जो दूसरा टर्म है, दैट इज़ पाइथन कमेंट। कमेंट क्या होता है, जो हमें कोडिंग की काम ना हो, जो हमें स्टेटमेंट बनाना हो, उसको बोलते हैं कमेंट। जो थ्रू आउट द प्रोग्राम चेंज ना हो, मतलब इसकी वैल्यू थ्रू आउट तो कॉन्स्टेंट चेंज नहीं होता है। कमेंट मतलब जो हम नॉर्मली लिखना चाहते हैं, ठीक है। तो सिंगल लाइन कमेंट के लिए हैज़ होता है, और अगर मल्टी लाइन करवाना है तो डेलिमिटर बिटवीन दो सेंटेंसेस, जैसे मुझे इन सबको कमेंट करवाना है तो ऊपर डेलिमिटर तीन यहाँ पर सिंगल 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 कोट्स या फिर डबल कोट्स लगा देंगे, और नीचे हम लोग क्या करेंगे, एकदम लास्ट में जहाँ तक हमें कमेंट करवाना है वहाँ पर लगा देंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं आइडेंटिफायर क्या होता है। आइडेंटिफायर मतलब क्या होता है, ईच प्रोग्राम एलिमेंट इन पाइथन प्रोग्राम इज नोन एज एन आइडेंटिफायर। हर प्रोग्राम में का जो एलिमेंट होता है, एक एक एलिमेंट को हम लोग बोलते हैं आइडेंटिफायर, ठीक है। कीवर्ड क्या होता है, कीवर्ड इज नथिंग बट द इनबिल्ड फंक्शंस जो हमारे में है, इनबिल्ड की वर्ड्स जो हमारे पास है, रिजर्व्ड है, प्री डिफाइंड है, उसको ही बोलते हैं कीवर्ड बोलते हैं, जो परफॉर्म करते हैं सब स्पेसिफिक फीचर, जिनके पास कुछ स्पेसिफिक फीचर होती है, ठीक है। टोकन की बात करें, टोकन तो एक स्मॉलेस्ट एलिमेंट होता है प्रोग्राम का, हर एक छोटे छोटे एलिमेंट को, जैसे हम वर्ड्स के एक लेटर बोलते हैं, वैसे ही प्रोग्राम के एक एलिमेंट को हम बोलते हैं टोकन बोलते हैं, ठीक है, जो बहुत ही मीनिंगफुल होता है कंपाइलर के लिए, लाइक कीवर्ड हो गया, आइडेंटिफायर, कॉन्स्टेंट, स्ट्रिंग, फंक्शन, ऑपरेटर, एटेक्सरा, ठीक है।